नमस्कार, मी मंदार जोशी, तारांगणमध्ये आपलं स्वागत आहे. रसिक हो, आपल्या मराठी चित्रपटसृष्टीत विषय हा सिनेमाचा प्राण असतो. चांगला विषय असेल तर लोक तो घेतात आणि खूप वेगवेगळे विषय आपल्याकडे येत आहेत आणि तसाच एक विषय आलेला आहे, ये रे पावसा. तर मला वाटतं हा फार महत्त्वाचा विषय आहे आणि त्या विषयाशी रिलेटेड दोन महत्त्वाच्या व्यक्ती माझ्याबरोबर आहेत. एक या चित्रपटाचा लेखक आहे अभिषेक करगुटकर आणि या सिनेमाच्या दिग्दर्शिका आहेत शफक खान, लेखिका पण आहेत. तर तुमच्या दोघांचं खूप सारं स्वागत. मी अभिषेक तुझ्यापासून सुरुवात करतो, कारण कोणत्याही सिनेमाचा लेखन हा प्राण असतो. तर ही कल्पना तुला कशी सुचली, कुठून तुम्ही हे सुरुवात केलं? खरं तर ही कल्पना होती भूषण दळवी यांची. त्यांनी ॲक्च्युअलची स्टोरी लिहिली आहे, तर त्यांच्याबरोबर मॅडमनी बसून पुढे पथकटा लिहिली, त्यामुळे हा कॉल हा मॅडमचा होता आणि ते मॅडमच सांगू शकतील तुम्हाला की एक्झॅक्ट त्यांनी कसं काय क्रिएट केलं वगैरे. शफकजी, तुमचं स्वागत तारांगणमध्ये. कशी सुरुवात झाली, आपने कैसे शुरुआत किया, ये कॉन्सेप्ट कब आपके मन में आया, क्योंकि ये पानी का प्रॉब्लम तो बहुत पुराना है अपने महाराष्ट्र में, तो हाउ द आइडिया वॉज बॉर्न? मैं ना, जब भूषण दलवी की ये कहानी है, तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म मैं करके आई थी, उसको काफ़ी अवार्ड्स मिले थे इंटरनेशनली, तो वो मुझे मिले कि मेरी भी एक शॉर्ट स्टोरी है, आप देखिए अगर आपको अच्छी लगे. तो जब मैंने वो कहानी सुनी तो मुझे उसमें पूरी फिल्म नज़र आई. तो फिर मैं और भूषण मिलके हम लोगों ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा. और ये विषय मुझे लगता है इतना क्लोज़ है हमसे, क्योंकि ये महाराष्ट्र में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे सच्ची में चार चार पाँच पाँच साल बारिश नहीं होती है. तो मुझे लगा कि ये कहानी बाहर ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को टच करती है. क्या कहना चाहती है इस कहानी से आप? इस कहानी से एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो आप जब देखेंगे तब समझ में आएगा. ये मैसेज बड़ों के लिए है, बच्चों के थ्रू हमने एक बड़ों के लिए मैसेज कहा है. तो अगर एक है कि ये पिक्चर, क्योंकि आप बोलेंगे इतने सारे अवार्ड हैं और इतने सारा ये दुष्कार के ऊपर है, तो ये नक्की कोई रोना धोना आटी वाटी जो एक नाम दे देते वो वाली टाइप पिक्चर नहीं है. ये एंटरटेनमेंट है, इसके अंदर आप बहुत एंटरटेन होके एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर जाएंगे इस फिल्म से, यही मैं कहना चाहूँगी. अभिषेक, आता तू सांग, जसं मॅडमनी तुला कॉन्सेप्ट सांगितली, तर तू तुझं काय फ्लेवर आणला, कशा प्रकारची लँग्वेज आहे आणि हे कुठल्या भागातली ही कथा आहे सगळी? बेसिकली आम्ही हे शूट नाशिकमध्ये एक नस्तानपूर गावात केलं होतं आणि तिकडची जी भाषा होती ती अगदी फटकळ भाषा होती. आणि जर आम्ही बेसिकली कुठला जर गाव जर पकडलं तर त्या गावामध्ये 5 वर्षापासून पाऊस नाही, तर त्या गावातल्या माणसांची मेंटॅलिटी कशी असेल, ते माणसं किती त्रासलेली असतील, त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये काहीतरी तिरस्कार असेल, तर ती टोन पकडून आम्हाला ते डायलॉग्स लिहायचे होते. तर ती एक बेसिकली मोठा टास्क होता आमच्यासमोर. त्यासाठी आम्ही जवळजवळ बरेच टाईम रिसर्च केला, काही गावात जाऊन भेटलो, त्यामुळे फायनली ती आम्हाला तो जॉनर भेटला. आणि त्याच्यानंतर त्याचाही पुढचा टप्पा होता की तिथं जाऊन शूट करणं, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे 45-46 तापमान तेव्हा चालू होतं आणि पहिल्या 2 दिवसातच बरेच आर्टिस्टला आम्ही सलाईन वगैरे ठेवलं होतं. आणि बऱ्याच टायमाला काही सीनमध्ये मुलींची जी लहान मुलांची होती ना, ती परिस्थिती एकदम बिकट झाली होती. काही काहींच्या नाकातून औंडा फुटत असत, नाकातून रक्त आलं होतं. तर इथल्या परिस्थितीत आम्ही शूट केलं, पण कधीही एकाही मुलाने आम्हाला सांगितलं नाही की दादा किंवा मॅम की नको आम्ही बस झालो. ते जेवढाच उत्साहाने पुन्हा ते उभे राहायचे आणि ती शूट करायचे. नाही, और उससे बड़ी चीज है कि मतलब मैं वो बच्चों को देखती थी तो मुझे अंदर से वो लगता था यार कैसे काम कर रहा है इन बच्चों से, इतना एक नाक से खून बह रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, उनके सर ढक के बेचारे बैठे रहते थे. मगर जब वो सेट शॉट लगता था हमारा, उनकी एनर्जी मुझे लगता है वो पूरी वायरल हो गई थी, पूरे हमारे सेट के ऊपर हो जाती थी, क्योंकि सब एनर्जी से भर जाते हैं उन बच्चों को देख के. मुझे लगता है शफक जी, ये एनर्जी जो आती है, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. मुझे पक्का ये बिलीव है कि आपने कुछ ना कुछ तो उन्हें पंप अप किया होगा. नहीं, मुझे लगता है वो उल्टा है, उनकी वजह से मुझे एनर्जी बहुत मिली है, उन्होंने मेरा काम बहुत आसान किया है. तो ये मैं सब ये इसका क्रेडिट पूरा बच्चों को दूंगी. और कोई ऐसा इंसिडेंट आप बता सकती है कि वो काफी टफ था लेकिन हैट्स ऑफ टू द टीम, ऐसा कुछ आप और कोई इंसिडेंट बताओ? मैं बता रही हूँ ना, जिस जगह पे हम शूट कर रहे थे ना, वो एक्चुअली वो दुष्कार वाला एरिया है, आप समझिए, बैरन लैंड. और वहाँ पे कभी कभी आंधी टाइप भी चलती थी, वो होता है ना गर्मियों में जो आंधी चलती है, सब उड़ जाता था हमारा सामान. वो सब होता था. और पानी, वाकई में पानी वहाँ पे नहीं, ये बहुत सारी थी. रहने के लिए हमें कोई वहाँ 5 स्टार नहीं मिलेगा, ना 5 स्टार तो बहुत दूर की चीज़, कोई रूम भी नहीं मिलेंगे रहने के लिए. तो हम जिस कंडीशन में हम रह रहे थे और शूट कर रहे थे, पर
मुझे लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, जब वो देखी जगह और ये सब कि यार ये कैसे निकाल देंगे, लेकिन हमारे क्योंकि वो लोकेशन शूट कर रहा था, वो क्लाइमेट हमारी फिल्म के लिए सूटेबल था, इसलिए हम वो चेंज भी नहीं कर सकते थे। मगर मुझे लगता है एंड तक हमारी जो वो टीम स्पिरिट थी, शायद वही हमको एंड तक लेके गई है और वो अब तक चल रही है। किस्सा सांगू शकतो म्हणजे वो फिल्म वाला रील वाला किस्सा की एक गावाची एक ना वेगळा दृष्टिकोन होता, म्हणजे एक पॉझिटिव्हिटी म्हणतो ना, कारण मुलं एवढी काही करत होती ना, तर आमचा एक सीन होता, त्या सीनमध्ये आम्हाला रीळ पाहिजे होती आणि लोकेशनवर आम्ही गेलो, आम्ही सगळं काही केलं आणि तो रात्री शॉट करणार होतो आम्ही डिसाईड केलं होतं, आणि एंड टाईमला असं कळलं की त्या गावा म्हणजे आर्ट डिरेक्टरने रील आणायला विसरला होता। आता तेच गाव असं होतं की 4-4, 5-5 किलोमीटरपर्यंत तिथे ATM-सुद्धा नव्हतं आणि मी ज्या ठिकाणी शूट करायला ठरवलं ना, अगदी आता कोइन्सिडन्स म्हणता येणार का पॉझिटिव्हिटी म्हणता येणार, त्या ठिकाणी आम्हाला रील सापडलेली मिळाली आणि ती आम्ही तुम्ही जी गाण्यात बघताय काय बीच्या, तर ती रील आहे, ती मिळालेली रील आहे। त्यामुळे ते एक मॅजिकल पण म्हणू, हे आम्हाला अजूनही कळत नाही की तिथे कसं आलं, पण ते एक म्हणतो ना की चांगले जण सगळे असतील, एक पॉझिटिव्हिटी नेहमी असते, ते पॉझिटिव्हचं लक्षण ते आम्ही सांगू शकतो त्या ॲज अ उदाहरण। शफकजी और एक सवाल मेरे मन में है कि ये मराठी लैंग्वेज में ही फिल्म बनानी है, ये आपने क्यों सोचा? आप दूसरे भी लैंग्वेज में बना सकती थी, तो वो रीज़न क्या है उसके पीछे? पर मराठी क्यों नहीं? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, बट यू आर 100% नॉट कनेक्टेड विद मराठी लैंग्वेज, सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। बट अब क्या है मेरा, मैं यहीं पर रही हूँ, महाराष्ट्र ही मेरा देश है आप कह सकते हैं, तो मैं आई एम अ वेरी मराठी मुलगी दैट वे, मराठी जिसको कम आती है बोलने के लिए। मुंबई तो तुम्हें पहला पसंद, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई मैं तुम्हें ही करू सकता फिर तो फिर मुझे इसीलिए मैंने बोला मराठी क्यों नहीं, तो ये इसी इसमें मतलब कोई मैंने बहुत सोचा नहीं, और विषय जो था ना ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, तो इसलिए मुझे लगा ये इसको मराठी में ही बना के इस विषय को हमें आगे लेकर आना है, तो मराठी को मैं यही नहीं आगे भी और बनानी है मराठी में। ऐसे एक दो सवाल मेरे लास्ट, इस फिल्म को आप दर्शकों को कैसे पहुँचाना चाहती है, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन फॉर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म? देखिए रिलीज़ कर रहे हैं स्टैनल थडानी जो वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे बड़े हैं, और वो काफ़ी बड़ी चीज़ है आपके लिए, अनिल थडानी जैसा बड़ा नाम आपकी फिल्म के साथ। तो मेरा जब डे वन, जैसे उन्होंने भाटिया जी ने बताया कि जब मैं अनिल जी से मिली, उन्होंने ये पिक्चर देखी और उन्होंने तुरंत बोल दिया हाँ मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पिक्चर लेते हैं, वो बाहुबली भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बड़ी पिक्चरें भी, पुष्पा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और भूल भुलैया भी लेटेस्ट बड़ी बड़ी पिक्चरें वो करते हैं, और उसके साथ में वो एक छोटी पिक्चर भी कर रहे हैं, और दोनों को एक इक्वल ट्रीटमेंट देना। आपने देखा वो आज भी आए इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, तो आई थिंक दैट्स अ साइन ऑफ अ ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर जिनको अपना क्राफ्ट पता है कि क्या करना है, और एक प्रोड्यूसर को सपोर्ट चाहिए होता है। एक आखिरी सवाल, ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद क्या चेंज आएगा आपको लगता है, या कौन सा चेंज आप एक्सपेक्ट करती हो जो आपने मुद्दा उठाया इस? मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी वहाँ वो पिक्चर देखने जाएं और जो मैसेज हम उनको दे रहे हैं, अगर वो अगर उनमें से कुछ लोग को भी ये मैसेज पहुँच गया तो ये बहुत ग्रेट चीज़ होगी। मैं तो चाहूँगी हर कोई ये मैसेज लेके जाए और ज़िंदगी भर के लिए उसको याद रखे उसमें। शफक जी, अभिषेक, तुमचे खूब खूब आभार, तुमच्या या फिल्मला खूप साऱ्या शुभेच्छा तारांगणकडून आणि माझ्याकडून, कारण पावसाळा आता जवळ आलेला आहे, तर येरे येरे पावसा तुमच्याही सिनेमावर असाच प्रेक्षकांचा पाऊस पडू दे अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो, आणि धन्यवाद।